तो दोस्तों आप लोग सोच सकते हैं कि बहुत बड़े प्रॉब्लम के बाद अगर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाए, आपके प्रॉब्लम का मतलब फुल एंड फाइनली क्लोज दी एंड हो जाए, तो आपको कैसा महसूस होगा। ठीक वैसे आज हुआ है मेरे साथ कि मतलब बहुत सारी प्रॉब्लमें थी, तो वो क्या प्रॉब्लम थी चलिए वो आपको एक एक करके बताते हैं। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं से स्टार्ट। तो गाइज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मतलब ये प्रॉब्लम है हमारे चैनल पर लगभग एक वीक से चल रहा था, मतलब जो एक सप्ताह से मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे कि हमारे वीडियो जो पहले के थे है ना, बैक वाले वीडियो जो स्टार्टिंग में, तो आप जो है ना वीडियो सेक्शन में जाकर लेटेस्ट पर नहीं है ना, जो पुराने वाले पॉपुलर और एक जो ऑप्शन दिया होता है उसको क्लिक करके देख सकते हैं जो पुराने वाले वीडियोस। उन वीडियो में हमने क्या किया था कि बहुत सारे जो ऐसे सॉन्ग जो अलग अलग तरीके से मतलब उठा के डाल दिए थे, हमको भी मालूम नहीं था कि भाई इन वीडियो के मतलब साउंड लेने से क्या होता है। तो वो चीज़ थी मतलब कॉपीराइट क्लेम आ जाया करते थे, तो वो जो है चैनल मोनेटाइज में बहुत ज़्यादा दिक्कत जाता है, तो वो चीज़ की प्रॉब्लम थी। तो उसको हमने क्या किया, पूरे के पूरे वीडियो फिक्स कर दिए। मतलब हमें नहीं चाहिए वो वीडियो जहाँ पर हमारे वीडियो पर किसी और के सॉन्ग हो, तो वो वीडियो मैंने पूरे के पूरे डिलीट कर दिए। और कुछ चुनिंदा ही वीडियो बचे जिसमें हमारा खुद का कंटेंट है, किसी के कॉपीराइट वगैरह का टेंशन नहीं, किसी का कुछ भी टेंशन नहीं। तो हमने वो चीज़ बहुत अच्छी कर दी कि भाई सभी के वीडियो मतलब हटाई दिए, मतलब जो सॉन्ग यूज किया था हमने तो कम्प्लीटली हटा दिए। तो एक प्रॉब्लम तो ये थी, वो भी सॉल्व हो चुकी है फुल एंड फाइनल, तो कोई दिक्कत नहीं। और जो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये थी कि भाई हमारे कम्युनिटी टैब में दिक्कत जा रहा था कि मतलब हम पोस्ट नहीं कर पा रहे थे, और स्टोरी तो हम आज भी नहीं डाल पा रहे है ना, पोस्ट नहीं कर पा रहे थे। तो पोस्ट उसी कारण से कि भाई मोनेटाइजेशन रोक देते हैं कि भाई, फिर उसके बाद क्या किया हमने कि अपने YouTube स्टूडियो में जो एक हेल्प वाला सेक्शन होता है वहाँ से हमने जो है ना YouTube टीम को एक मैसेज किया कि भाई ऐसे 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 दिक्कत हो रही, तो हमने उनको मेल किया टीम को, टीम से बात हुई, मतलब जो भी वार्तालाप होती है हेल्प सेक्शन से, तो वो सब चीज़ें की। तो वो सब चीज़ भी मतलब एकदम से स्टार्ट हो चुकी है, और देख सकते पेड़ जो है ना हरे भरे होने लगे हैं। और अभी ना धूप काले का टाइम है, लेकिन बात क्या है कि पूरा जो पानी इतना ज़ोरों से बरस रहा है कि क्या ही बताएं आपको। तो पानी का बहुत कहर हो चुका है। और बात करते हैं दुबई शहर की है ना, दुबई शहर में क्या किया कि कृत्रिम बादल जो बनाते उसके जरिए से कृत्रिम बादल बनाकर वर्षा की गई, और वहाँ पे जो है ना कभी भी मतलब पानी वगैरह नहीं बरसता था। आपको भी मालूम होगा कि रेगिस्तान एरिया है, तो वहाँ पे पानी नहीं बरसता था। तो वो क्या हुआ वहाँ पर कि कृत्रिम बादल वगैरह बनाए उन्होंने और पानी बरसाने की कोशिश किया है ना, तो वो प्रकृति के साथ उन्होंने छेड़खानी की। तो देख सकते हैं उसका अंजाम आपको भी देखने को मिलेगा, बहुत सारे चैनलों पर डाले, तो दुबई का कहर वगैरह डालेंगे आप तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बहुत सारा है ना। तो प्रकृति के साथ किसी ने भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, मजाकबाजी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो क्या है वो पूरा वाट लगा देती है। तो ऐसी कुछ बात है ना। तो ये दो प्रॉब्लमें थी, और भी छोटी छोटी एक दो प्रॉब्लमें थी, उसकी आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी है ना। तो ये सब चीज़ जो थी हमारी क्लोज हो चुकी है, मतलब मैं उस चीज़ों से छुटकारा पा लिया हूँ, तो अच्छा लगा कि भाई ये सब चीज़ें क्लियर हो चुके। और मैं अपने जो वीडियो वगैरह फुल तरीके से आप बिना कोई टेंशन के बिंदास डाल सकता हूँ, इसमें मुझे भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना। तो बात है ये आप लोगों को दिख रहे होंगे बाल बहुत ज़्यादा, आपको सामने में दिखाई पड़ रहे होंगे, उससे भी मतलब डिस्टर्ब होता है वीडियो बनाने के लिए, मतलब ये ऐसे करते हैं और ये सामने आ जाते हैं है ना, इससे भी दिक्कत होती है ना। तो इसको क्या करने वाले हैं आज हम उड़ा देंगे, मतलब इससे ये बहुत बड़े हो गए, लेकिन बढ़ाने में क्या है अच्छा लगता है और अच्छे दिखते भी है ना, लेकिन अब ज़्यादा बड़े हो गए तो क्या है ऑफिशियल स्थान पर हम बैठते हैं तहसील वगैरह के काम करते थे, ये भी सही नहीं लगता वैसे तो, लेकिन क्या है कुछ प्रॉब्लम है कारण हम जो इसको नहीं कर पाए, मतलब बाल वगैरह कटिंग नहीं कर पाए, तो आज जो इसकी भी छटाई हो जाएगी, मतलब ये सब शेव वगैरह करेंगे और फ्रेश हो जाएंगे, और आपके लिए नेक्स्ट तरीके से हम जो है कि ब्लॉग लेकर आएंगे। सोच रहे कि आपके लिए रमन साइंस सेंटर जो साइंस के कमाल होते हैं वो सब चीज़ आपको दिखाना चाहेंगे है ना। नागपुर शहर में इसका रमन साइंस सेंटर के नाम से एक स्थान है, वहाँ चलेंगे आपके लिए बहुत सारे कुछ मतलब ट्रैवलिंग वाले लेकर आएंगे ब्लॉग है ना। पिछले कुछ दिन पहले गया था मैं डॉली भाई से मिलने, लेकिन डॉली भाई जो है नहीं मिल पाए, तो उस कारण से क्या हुआ कि
नहीं मिल पाया तो हमको रिटर्न आना पड़ा, आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं, है ना। तो अब चलेंगे नेक्स्ट बार, तो वहाँ पर आपको हो सकते तो डॉली भाई से मिलाएंगे या तो फिर जो साइंस के कमाल होते हैं वो सब चीज़ दिखाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर क्लोज, और आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गए होंगे मेरी, इसलिए तो मतलब वीडियोज़ नहीं आ रहे थे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।